अभी आज के लेक्चर में जो मैंने किया ना, एक शॉर्ट में फटाफट सुन लो, फटाफट शॉर्ट में सुन लो, मैंने डिस्कशन किया है दैट इंडिया इज एप्लीकेबल ऑन कॉरपोरेट्स एंड कॉरपोरेट्स में कौन से कॉरपोरेट्स पे, कंपनीज पे, कंपनीज पे, एनबीएफसीज पे, बैंक्स पे और इंश्योरेंस कंपनीज पे. ऑन कंपनीज पहला एप्लीकेशन आया 2015 में, वो वॉलेंट्री था, लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो 1 अप्रैल 2016 को मैंडेटरी आ गया. ऑल लिस्टेड एंड अनलिस्टेड अबव 500 crores नेटवर्थ पे कंपल्शन हो गया, उनकी होल्डिंग सब्सिडियरी जॉइंट वेंचर या एसोसिएट उन पे भी कंपल्शन हो गया. फिर फेज थ्री आया 1 अप्रैल 2017 से, और फेज थ्री में क्या बोला, ऑल कंपनीज लिस्टेड कंपनी सारे के सारे इंडियस फॉलो करेंगे, अबाउ 500 crores हो या बिलो 500 crores, एंड अनलिस्टेड कंपनीज अबाउट 250 crores सारे के सारे इंडियस फॉलो करेंगे, बिलो 250 crores वाले पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रूल्स फॉलो करेगा, और कोई भी होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट्स ऑफ दीज कंपनीज विल ऑल्सो फॉलो इंडियस. फिर हमने डिस्कशन किया एनबीएफसी का. एनबीएफसी इज वॉट, एनबीएफसी इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फेज वन में लिस्टेड अनलिस्टेड अबाउ 500 crores उस पर इंडियस एप्लीकेबल है, एंड फेज टू में लिस्टेड तो सारे लिस्टेड कंपनीज पे, सारे लिस्टेड एनबीएफसीज पे एप्लीकेबल हो गया इंडियस, और अनलिस्टेड अबाउट 250 crores पे इंडियस एप्लीकेबल है. सो इवन एनबीएफसी बिलो 250 crores या अप टू 250 crores नेटवर्थ पे अभी भी पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेट एप्लीकेबल है, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी पे अभी तक इंडियस एप्लीकेबल हुआ नहीं है, येट टू अप्लाई, येट टू अप्लाई. सो दिस इज वॉट वी हैव डन इन टूडेज लेक्चर. ये मेरे आज के लेक्चर का फाइनल समरी है. चलो दैट्स इट.